श्रीराम समर्थ दिसंबर 6। निराशक्ति और शरणागति। किसी आदमी की छुरी हो, उसकी लकड़ी का दस्ता बदल कर लोहे का किया, दूसरे ने चांदी का किया, किसी ने सोने का बनाया, किंतु छुरी मारने पर परिणाम तो एक सा ही होगा। वैसे ही गृहस्थी अच्छी हो या किसी भी प्रकार की हो, वह तो छुरी के समान ही है, उसका दुष्परिणाम सभी जगह समान ही होगा। गृहस्थी की आसक्ति तो छुरी की धार है, इसलिए अपना धंधा नौकरी सब अच्छी तरह से करे, उसमें आगा पीछा न करे, लेकिन उसी के लिए मेरा जीवन है ऐसा कभी न समझे। नौकरी सुख के लिए नहीं बल्कि पेट पालने के लिए है, ऐसी वृत्ति से जो करे उसे आसक्ति और अभिमान नहीं होगा। सावधान होकर बरते, भगवान का स्मरण रखे, उसका नाम स्मरण करे और शेष बातें नसीब पर छोड़ दे, इसी से संतोष होगा। भगवान के बिना संतोष प्राप्त होना संभव नहीं। मैं संतोष से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ ऐसा कहने वाला संसार में सचमुच धन्य है। यह धन्यता प्राप्त होने के लिए भगवान की बहुत जरूरत है। राम की इच्छा से सब हो रहा है, राम ही करता है, ऐसी भावना से हम गृहस्थी करें, पसीना बहाकर मेहनत और प्रयत्न करें, लेकिन फल देने वाला भगवान है यह मानकर सदा संतोष बनाए रखे। भगवान की प्राप्ति के लिए केवल अनन्य शरणागति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। स्वयं उपाधि रहित होना यह शरणागति है। अहमता की उपाधि मिटानी हो तो साधन भी वैसा ही समर्थ हो। नाम के सिवाय अन्य कोई उपाधि रहित साधन नहीं है, वही साधन तुम करो। भगवान के नाम का प्रेम चाहते हो तो अंतःकरण शुद्ध चाहिए। अंतःकरण द्वेष, मत्सर, अभिमान से भरा हुआ न हो। एक दूसरे से प्रेम करो, घर से प्रारंभ करो। बेटा मुझे सुख देता है इसलिए नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य ही है ऐसा मानकर मुझे प्रेम करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से प्रेम करना ही सच्चा परमार्थ है। उसके लिए राम दाता है, वही आधार है। इसका भान रखकर तुम बरतो। ऐसा भान निर्माण होने के लिए भगवान के नाम की जरूरत है। मनशांति की प्राप्ति के लिए यही मार्ग है। दीनता कभी न हो। राज वैभव की तरह सुख भोगो, लेकिन वैभव के कारण मैं सुखी हूँ ऐसा न कहकर मैं राम का हूँ इसलिए सुखी हूँ ऐसा कहो, और उसी भावना से बरतो। वैभव आज है तो कल नहीं, वैभव पर विश्वास मत रखो। मैं राम का हूँ इसी भावना से रहो, इसलिए राम नाम लो। यही मेरा भरोसा है कि राम कल्याण करेगा। आज का मुख्य विचार, सुख किसमें है? सुख समझने में है, और भगवान के होके रहना यह धारणा उतनी ही सत्य है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।